पे मैच चलता हुआ आज टीम डी वन ऑफ टीएफसी। जी हाँ, टीएमडी की तरफ से बात करें तो आरएनएस एलेक्स साहिल रॉक और याही आए, और टीएफसी की तरफ से सैंडी गोवा और के और डार्क आए। तो टीएफसी वन ऑफ टीएमडी चलता हुआ, टीएफसी ने सीधा सीधा घुसने का मूड बना लिया है। टीएफसी सीधा घुस चुकी है। बिना इंट्रोड्यूस करने से पहले ही कुछ तारीफें कर लेते जनाब, और पर इन्होंने सोचा नहीं भाई, तारीफें पसंद नहीं, पहले ठुकाई पसंद हमको। तो ठुकाई के लिए रेडी है टीएफसी की स्क्वाड, और तीन तीन बंदे वॉल तोड़ते हुए सामने वाले की, जो भी है भाई कूद जा। एलेक्स ऊपर है हाइट में, तो देखते हैं कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। टीम डी बना टीएफसी चलता हुआ, और टीएफसी सैंडी लीड करते हुए टीएफसी को, और वहीं बात करें तो टीम डी को लीड करते हुए पूरी स्क्वाड आपस में। और यहाँ पे एलेक्स की हेल्थ काफ़ी कम है, बैकअप देना चाहिए। वॉल टूटती हुई, लगातार वॉल प्रहार हो रहा है, भारी भरकम युद्ध चल रहा है टीम डी बनाओ टीएफसी के दो बंदे नॉक हैं, के और डार्क। तो यहाँ पे हील अप मिल पाया गया नहीं, देखे बात होगी, गोवा आ चुके हैं हील करने के लिए। टीएफसी की स्क्वाड काफ़ी हील करने में मशहूर है, और गोवा की हेल्थ खत्म, और टीएफसी का एक बंदा बचाया अकेला, टीएफसी सैंडी, और ख़त्म। 1-0 से आगे टीम डी बना टीएफसी चलता हुआ, और मील का राउंड है, और स्टार्टिंग में रस आपको देखने में नजर आ जाएगा। दूसरा राउंड चलता हुआ, टीएफसी के नाइन को नॉक कर लिया गया, ट्रिपल के को नॉक कर लिया गया, और हील अप भी मिलता हुआ जल्दी जल्दी, और हील बहुत अच्छा करते हैं टीएफसी वाले। टीम में यूनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा देखने में नजर आया टीएफसी की। और बंदा एक और नॉक है फिर से, और खुद भी नॉक हो जाएंगे यही अगर बॉल ना डालेंगे तो। सर MP40 की रेंज थी, और यहाँ पे 3v3 सिचुएशन। टीम टीएफसी फिर से एक बंदे को हील करती है, एफसी तमिल की है बेस्ट गेंद, और बेस्ट स्क्वाड, और सैंडी घुस चुके हैं सीधा, और यहाँ पे दिक्कतें हो गई हैं सैंडी के लिए। एलेक्स ने कर दिया है नॉक, तो एलेक्स भी इन मूड हो चुके हैं। तो टीएफसी को हराने के लिए यूनिटी चाहिए टीम डी की तरफ से, और यहाँ पे बात करें तो वो यूनिटी टीएफसी की तरफ से देखने में नजर आ रही है। एक बंदा अकेला बचाया चुकी है, एलेक्स बचाया, 3v1 सिचुएशन है, अकेले एलेक्स, देखते हैं क्या परफॉर्म कर पाते हैं टीएफसी के सामने, और खत्म। राउंड है कटोली शिवा के अंदर, कैसा परफॉर्म करती हैं दोनों की दोनों टीमें, और यहाँ पे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं सामने वाले। जी हाँ, आपको बता दें स्पोर्ट्स प्लेयर जो कि बैटल अरीना के अंदर खेले थे, टॉप टू कराया था उन्होंने बैटल अरीना के अंदर, तो उस टीम को आपका चैलेंज मिला है। और यहाँ पे के नॉक हैं, तो हील कर लेंगे बहुत जल्दी, और यहाँ पे चाहते हुए हीलिंग के लिए दो बंदे नॉक हैं, और डैमेज खा लिया सैंडी ने बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे हील करते हुए बहुत प्यारा गोवा को नॉक कर लिया। एलेक्स को यहाँ पे फंस गए हैं, एलेक्स के साथ हो चुकी है एक नई गिलिच के साथ बकचोदी, बंदा नॉक है टीम डी को, और सैंडी की हेल्थ बहुत कम है, और ये आरएनएस को ले जाएंगे, बहुत प्यारा ले गए, बहुत कम लो हेल्थ पे ले गए हैं आरएनएस को। तो 2v3 सिचुएशन है, टीएफसी के के नाइन फिर से नॉक हो गए हैं, तो यहाँ पे डार्क फिर से हील कर लेंगे इनको। तो यहाँ पे हील अप बहुत प्यारा कर रही है टीएफसी, और बात करें तो अकेले बचे हैं सिर्फ सोहिल रॉक, तो दिक्कतें बढ़ गई हैं। घर में से गिलिच चलते हुए एलेक्स के साथ नहीं निकल पा रहे हैं, तो उस वजह से फंसते हुए दो दो बार घर के खिड़कियों में अकेले सोहेल रॉक। 1v3 सिचुएशन टीएफसी ने कर लिया वापसी, टीम डी की आ गई हैं मुश्किलें बहुत ज़्यादा, और ख़त्म टीएफसी फुल इन मूड खेलती हुई 2-1 से। तो ये थोड़ी सी चेंजेस करने वाले, ये हेड मारेंगे बहुत गंदा, और नहीं लगा है, थोड़ा सा पिंग मेरा 200 पहुंच चुका है, तो पिंग को डाउन करना पड़ेगा थोड़ा सा, हो जाए तो बढ़िया होगा मेरे लिए भी, और मैच के लिए भी, और आपके लिए भी। तो आप लोगों को अगर ये मैच पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना। टीएफसी के तीन तीन बंदे टीम डी और टीएफसी के, तो दिक्कतें बढ़ती हुई फिर से, और टीएफसी की टीम फिर से यूनिटी के साथ एक साथ इकट्ठा है, और वहीं टीम डी की स्क्वाड फिर से बिखरी बिखरी, एक एक बंदा एक अताल में है, दूसरा पाताल में है, एक पता नहीं कहाँ है। तो टीएफसी की स्क्वाड एक साथ मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो रहा है। आरएनएस नहीं कहेंगे, सैंडी वर्सेस, ओ भाई नौकी हेल्थ यार, ये कौन सा जादू टोना है, 5 टीम की हेल्थ बची टीम की, और टीएफसी के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। यहाँ पे टीम डी वापसी करती हुई धीरे धीरे, और सोहिल रॉक और सैंडी के बारे में बात करें तो इस बंदे का एक बाइट यूट्यूब चैनल है यार, बंदे का गेम इतना ओपी है ना, तो इसका चैनल भी हम प्रमोट करेंगे दिल खोल के, क्योंकि भाई बंदा खेलता इतना अच्छा है तो प्रमोशन तो मिलना चाहिए, अगर कोई नहीं करेगा तो हम करेंगे हमसे जितना हो पाएगा। तो इस भाई की चैनल के लिंक यार आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, तो आप वीडियो को उसके जाना चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और सपोर्ट दिखा देना #TMD लगा के, क्योंकि भाई हम सपोर्ट करते हैं। हम आपको बता देते हैं इसका यूट्यूब चैनल है, तो भाई लोग यूट्यूब पर विजिट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि भाई हमारा चाहे कोई दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, भाई हम गेम प्ले को मैटर करते हैं, हम गिल्ड को कभी बीच में नहीं लाते हैं। किसी को भी अगर ऐसी गलत फैमिली अपने लिए कि हम गिल्ड को हमेशा आगे रखते हैं, वो रखते हैं, तो भाई हम गिल्ड के लिए करते हैं वो अलग चीज़ है, पर गेम वर्सेस करते हैं वो अलग चीज़ है, हम गेम प्ले को प्रमोट करते हैं इसलिए गेम वर्सेस करते हैं, और हमेशा हम गेम प्ले को प्रमोट करते हैं। जो हमसे अच्छा खेलता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं दिल से कि हमको हरा के जा रहा है, और हम उनको इन फ्यूचर प्रमोट भी करेंगे, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी करना पड़े उसके लिए। तो भाई लोग इसकी कोई गलत फहमी मत रखना कि हम दिल से सपोर्ट करते हैं हर एक प्लेयर को, चाहे कोई भी हो। टीएफसी सैंडी फर्स्ट नॉक है, KK9 बचे हैं सामने, एक ऊपर टीम डी के पूरे 4 बंदे जिंदा हैं, इस बार टीएफसी के लिए दिक्कत हो गई है। लास्ट गेम में 6-2 से जो हराया था टीम डी ने, क्या टीम डी वापसी कर पाएगी टीएफसी के ऊपर? तो टीएफसी की टीम पूरी मूड में, अकेले बचे हैं KK9 और यहाँ पे याही का कवर, और दिक्कतें बढ़ चुकी हैं टीएफसी के लिए,
और सामने अकेले बचे हैं ट्रिपल के नाइन, तो देखते हैं कैसे परफॉर्म कर पाते हैं टीम डी के तीन बंदे। और सामने आरएनएस आ चुके हैं, आरएनएस जंप शॉट देते हुए पूरा और नॉक हो जाएंगे आरएनएस पक्का, क्योंकि एम उनका ऊपर जा रहा था लक कॉर्नर में, और 1v3 सिचुएशन है। आरएनएस की किल कंफर्म कर लेंगे कि, और के नाइन आ चुके हैं बाहर घर से क्योंकि अकेले बचे हैं। सामने सोइल रॉक जो झूलते हुए और हेड शॉट खा गए, 1v2 सिचुएशन और एलेक्स का कवर है जो कि शिपयार्ड के अंदर है, और आरएनएस को नॉक भी ले लिया गया है। तो टीएफसी की स्क्वाड पूरी मूड में, हाइट से एक बंदा कवर अप देता हुआ टीएफसी का टीम डी के अगेंस्ट। और यहाँ पे बात करें आरएनएस को हील भी कर लिया गया है, यहाँ पे यूनिटी फिर से बिखर गई टीम डी की, और एक और बंदा नॉक है, तो आरएनएस को गलत बाहर फेंक दिया गया है, तो आरएनएस हील नहीं हो पाएंगे। 4v3 सिचुएशन है, हीलम में दिक्कत हो गई है, हील नहीं मिल पाया है। तो मैं थोड़ा सा हकला गया हूँ क्योंकि मैच उस लेवल का चल रहा है कि भाई बाजम बाजी हो रही है, गुत्थम गुत्थ हो रही है, ग्लास मुंह से बात करें उधर से गन फायर अच्छा चल रहा है। यही को नॉक ले जाएगा बंदा, बहुत प्यारा है, सिंगल रेट ऑफ फायर के साथ ही MP40 है जो कि हेडशॉट ड्रैग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसके लिए काफ़ी अच्छे बहुत बंदे इसको यूज करते हैं। और एक बंदा बचा है टीम डी का जो कि सॉइल रॉक नहीं एलेक्स होगा, और एलेक्स ने भी एक बंदे को नॉक कर लिया है, तो किल कंफर्म कर लेंगे जो कि मैकेनिकल MP40 यूज कर रहे हैं डबल डैमेज के साथ, सिंगल रेंज के साथ मैच, और एक बंदे को हेडशॉट दिया और खत्म हो गए खुद। क्लॉक टावर के अंदर टीएफसी की स्क्वाड पूरी एक साथ है, और टीम डी की स्क्वाड फिर से बिखरी नजर आ रही है। टीएफसी की स्क्वाड ने पूरा घर हत्या रखा है भाई, नीचे फर्स्ट फ्लोर टीएफसी का है, सेकंड फ्लोर टीम डी का है। और भाई बात करें तो टीएफसी पूरी चढ़ चुकी है, बॉल डाल देनी चाहिए सोइल रॉक को, हाइट ले लेनी चाहिए, अदरवाइज पूरे चार बंदे एक साथ मारेंगे। और यहाँ पे एलेक्स फंस चुके हैं, जी हाँ फंस चुके हैं, भसड़ मच चुकी है, बॉल आगे पीछे लगा चुके हैं, और ये हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है, और कंप्लीट हो चुका है जो होना था। टीएफसी की स्क्वाड पूरी एक साथ, चार बंदे भाई साहब, क्या गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, क्या गेम चल रहा है। और आरएनएस पीछे से आते हुए, और आरएनएस को लॉक ले गए हैं, टीएफसी की स्क्वाड पूरी एक साथ इकट्ठा है, और यही आ चुके हैं नीचे से, यही को भी ले गए हैं, तो पूरी टीएफसी की स्क्वाड एक साथ चढ़ के खेल रही है। टीम डी का एक बंदा बचाया जो कि अकेला सोइल रॉक है, तो दिक्कतें बढ़ चुकी हैं टीम डी के लिए, तो सेट बिल्कुल कर देना। और अपेस चैप्टर क्लोज टीम डी का देख लिया है एक दूसरे को, 3v3 सिचुएशन पीछे चलती हुई आगे 1v1 सिचुएशन, यही वर्सेस टीएफसी सैंडी होता हुआ। बहुत देर बाद ये मैच देखने में नजर आ रहा है इन दोनों के बीच में, टीएफसी की तरफ से सैंडी और टीम डी की तरफ से यही, तो यही वर्सेस टीएफसी सैंडी चलते हुए, चार का डैमेज दिया डबल रेट ऑफ फायर की, सिंगल रेट ऑफ फायर डबल डैमेज के साथ MP40। टीम डी का एक बंदा नॉक है, दूसरे को ये लॉन्ग रेंज में ले जाएंगे, काफ़ी अच्छा बैकअप देती हुई टीम डी के तीन बंदे और टीएफसी के तीन बंदे, सैंडी पे ही निगाहें रहेंगे अभी थोड़ी हमारी। गोवा हील करते हुए डार्क को हील अब बहुत प्यारा मिल रहा है यार इनकी तरफ से, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे आरएनएस पे दबदबा, पूरी मैकेनिकल एमपी उतार दी है, हेल्थ मुश्किल से 50 या 60 की होगी बंदे के हिसाब से, डैमेज खाया बंदे ने डबल डैमेज के साथ। सैंडी को नॉक कर लिया गया है, एम आ नहीं रहा है इनका, और उसका आ गया डबल डैमेज की MP40 उसके पास पर, रेट ऑफ फायर मिलेगा उसको एडवांटेज में, और नॉक हो चुका है, ग्लू बॉल हटती है, और टीम डी इस बार चढ़ चुकी है पूरी। दो भी दो बंदे, कोई नहीं चढ़ा है भाई किसी पर, मेरी गलती, मेरी माफी। अकेले गोवा बचे हैं, गोवा ने गोवा को पहुंचा दिया, आरएनएस को गोवा की तरफ रवाना कर दिया है, यही वर्सेस अकेले गोवा बचे हैं, तो यही क्या हील करेंगे अपने आप को, जी हाँ अपने आप को हील करेंगे, चाहे तो ये हील कर सकते हैं आरएनएस को, इनके लिए बेटर सिचुएशन रहेगी, अदरवाइज दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और यहाँ पे पीछे से एम आया और खत्म राउंड स्टार्ट, जो कि ऑब्जर्वेटरी के अंदर बने हैं, और टीएफसी की स्क्वाड ने यार काफ़ी दम दिखाया है, जिस हिसाब से बैटल करा है, एक एक बंदे को एक साथ ले रही है, एक साथ एकजुट होकर ले रही है, वहीं टीम डी की स्क्वाड बिखरा खेलती हुई। ये चीज़ें समझ ली होंगी, छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं जब एक स्क्वाड साथ एक मुट्ठी की तरह खेले, तो टीम डी की स्क्वाड को मार सकती है, ये एक रणनीति है टीम डी के वर्ष में मेरे को अब लगने लगा है। और एक बंदा नॉक है, टीम डी की स्क्वाड साथ नहीं खेलती है हमने देखा है, और टीम डी के तीन बंदे और टीएफसी के दो बंदे, और यहाँ पे दिक्कतें बढ़ चुकी हैं, और हील कर लेंगे, सैंडी का बैकअप आता हुआ ओपी लेवल, एक साथ रहती है टीएफसी की स्क्वाड, बहुत प्यारा, और यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, या ही देखते हैं कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। 2v4 सिचुएशन है और टीएफसी ले जाएगी मैच, अकेले सोहिल रॉक बचे हैं, तो टीएफसी ने 6-3 से लगता है धो दिया है टीम डी के मैच के अंदर, और देखते हैं कैसा गेम चलेगा, कब तक गेम चलेगा। ओ भाई साहब 1v2 सिचुएशन, दो बंदों को खत्म कर दिया, क्या 1v4 क्लच मार सकता है यार सोहिल रॉक, लग रहा है मेरे को जिस हिसाब से गेम चल रहा है 1v2 सिचुएशन हो गई है, तो 1v2 सिचुएशन अगर मारते हैं के और डार्क बचे हैं, तो डार्क और के का परफॉर्मेंस काफ़ी ओपी लेवल रहा है, और ड्रैग लेवल काफ़ी अच्छा देखने में नजर आया। 1v2 सिचुएशन है, पीछे से ऐड खा गए और खत्म किए FC, 6-3 से धो दिया टीम डी के मेंबर्स को, काफ़ी अच्छा मैच रहा। सबसे ज़्यादा किल करें टीएफसी की तरफ से गोवा ने 10 किल, और वहीं बात करें तो टीम डी की तरफ से 5 किल एलेक्स ने। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर दें, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।